कैसे हो सभी जने। तो आज है अपने पास यामाहा की R15 वर्जन 4.0, मतलब वर्जन मतलब जिसको अपन आम भाषा में V4 बोलते हैं। तो R15 की V4, ये भाई ब्लू कलर में है, लेकिन लाइटिंग के चक्कर में थोड़ा सा पर्पल दिख रहा है, लेकिन प्रॉपर ये ब्लू कलर में आपको होने वाली है। तो भाई आज अपन करने वाले हैं, देखो रिव्यू तो आपने देख लिया होगा, अभी तक नहीं देखा तो भाई जाके देखो। तो आज अपन करने वाले हैं इसके 5 रीजंस टू बाय और फेवरेट यामाहा की R15 V4। तो भाई बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई अपन आज की वीडियो में अपन ऐसे 5 रीजंस बताएंगे जिससे आप इसको कंसीडर कर सकते हो। तो भाई पहले रीजन की बात करें जिससे आप इसको कंसीडर कर सकते हो, तो भाई आप बताओ, कमेंट में कर देना आप खुद। तो सबसे पहले रीजंस की बात करें ना, तो वो होने वाला है गाड़ी का लुक्स। भाई लुक्स के दीवाने हैं लोग इसके। एक बार आप फ्रंट से इसका लुक देखो, किस शानदार आपको इसमें लुक्स मिलने वाला है। यहाँ पे DRLs मिलने वाले हैं और यहाँ पे ये प्रोजेक्टर मिलने वाला है। आपको जला के दिखा रहे हैं, देखो इस तरीके से ये भाई DRLs मिलने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होने वाले हैं ये DRLs। और भाई प्रोजेक्टर आपको देख भले ही छोटा सा रहा है, लेकिन यार काफ़ी बेहतरीन इसका थ्रो मिलने वाला है नाइट के टाइम पे। भाई पहले रीजन की बात करें तो वो होने वाला है गाड़ी का लुक्स। दूसरा रीजन जिससे आप गाड़ी को कंसिडर कर सकते हो, तो दूसरा रीजन होने वाला है गाड़ी का इंजन। भाई यामाहा का रिफाइंड इंजन आपको इसमें मिलने वाला है, जिसकी पावर और पिकअप तो भाई कमाल का होने वाला है। भाई लोग कहते हैं 150 cc 155 cc का इसमें इंजन आता है, लेकिन 145 से 150 के आसपास इसमें टॉप स्पीड मिलने वाली है। तो भाई इंजन की बात करें ना, तो इसमें 18.6 PS 18.6 PS की आपको इसमें पावर मिल जाएगी, और RPM थोड़ा मोड़ा नहीं, 10,000 RPM पे आपको ये पावर मिलने वाली है। तो भाई गाड़ी का पिकअप टॉर्क कितना शानदार होने वाला है, या आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हो। ये नंबरों की बात नहीं है, रियल लाइफ में भी गाड़ी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करती है, 140-145 आराम से पहुंच जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। तीसरे रीजन की बात करें तो भाई मैंने जैसा आपको बताया अभी कि इंजन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मिलने वाला है, 155 cc का आपको इसमें इंजन मिलने वाला है। लेकिन इसमें एक और अच्छी चीज़ मिलने वाली है, वो मिलने वाली है गाड़ी की ब्रेकिंग। एक बार आप डिस्क ब्रेक देखो, आगे का डिस्क ब्रेक 320 mm का मिलने वाला है, पीछे का डिस्क ब्रेक आपको 220 mm का मिलने वाला है। लेकिन डिस्क ब्रेक से कुछ नहीं, लेकिन इसमें एक दो अच्छी चीज़ें आ जाती हैं। पहला, फ्रंट में भी आपको ABS मिल जाएगा, दूसरी चीज़ पीछे वाले टायर में भी आपको ABS मिल जाएगा, मतलब डुअल चैनल ABS आपको मिलने वाला है डुअल डिस्क के साथ में। तो कंट्रोलिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाली है। अभी मैंने MT चला के देखी, इसके बाद R15 भी चला के देखी, 50-60 की स्पीड में ऐसे जहां ब्रेक लगा वहीं खड़ी हो जाती गाड़ी। तो भाई बहुत शानदार आपको इसमें ब्रेकिंग मिलने वाली है, तो इससे तो आप बेफिक्र रहो, कंट्रोलिंग काफ़ी बेहतरीन होने वाली है गाड़ी की। चौथी चीज़ की बात करें ना, तो वो होने वाला है गाड़ी का माइलेज। देखो आप कहोगे कि भाई गाड़ी है 155 cc का, इसमें इंजन मिलने वाला है, लेकिन आप कहोगे माइलेज कहाँ है, तो हम बता रहे ना माइलेज यहाँ पे मिलने वाला है। भाई माइलेज काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलने वाला है आपको। देखो लोग क्या कहते हैं कि 155 cc का इंजन हम माइलेज कितना ही देगी, 25-30 भाई। लेकिन आपने अगर पुराना वन ओवर से रिव्यू नहीं देखना R15 V4 का, तो जाके देखो भाई क्या कहते हैं कि हम 100, 110, 120 भी चलाते हैं, लेकिन 40 से 45 तक का माइलेज मिल ही जाता है। सिटी राइड में थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि इसको मतलब गियर बार 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 चेंज करने पड़ते हैं, लेकिन आप हाईवे पे या एक सी स्पीड में गियर में चलाओगे ना, तो आपको 40 से 45 का माइलेज बहुत आराम से ये गाड़ी निकाल के दे देती है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है इसमें। और एक चीज की बार बात पढ़ूं ना, माइलेज तो ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं है। इसमें आप देखो इनफ फीचर्स भी मिलने वाले हैं। ये मिलने वाला है मीटर, ये आपको इस तरीके से मिल जाएगा, जहाँ पे RPM मीटर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यामाहा कनेक्ट भी आता है, आप फोन से इसको कनेक्ट कर सकते हो। कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट, ठीक है, इंडिकेटर्स, गाड़ी का टेम्परेचर, टोटल ट्रिप किलोमीटर्स, ऑडोमीटर, यहाँ की तक की मोबाइल की भी मतलब थोड़ी बहुत ही नोटिफिकेशन इसमें आपको मिल जाएंगी। ABS वगैरह आपको यहीं पे मिल जाएगा, वो कंप्लीट RPM मीटर वगैरह, और TCS और ABS ये दोनों चीज़ इसमें मिलने वाली, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और एक चीज़ और, तीनों बटन है ना इसमें, ये आपको देखो स्टॉप, रन और स्टार्ट, मतलब इंजन किल स्विच भी है और सेल्फ स्टार्ट भी इसी में मिलने वाला है। साथ में 1000 स्लाइड भी यहीं से मिलने वाला है। और ये मीटर आप देख रहे होंगे ना, मतलब कंट्रोलिंग कहाँ से है, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से इस मीटर को आप कंट्रोल कर सकते हो, तो इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। पांचवा और लास्ट रीजन की बात करें जिससे आप इस गाड़ी को कंसीडर कर सकते हो, वो होने वाला है गाड़ी की सिटिंग क्वालिटी एंड कंफर्ट। देखो दो लोगों के लिए गाड़ी बनी है, लेकिन आप चाहो ना तो इस सीट को भी आप खोलकर अलग कर सकते हो, और आप सिंगल ही मतलब इस गाड़ी को राइड कर सकते हो। कुशनिंग आप देख सकते हो, काफ़ी बेहतरीन आपको क्वेश्चन बनाई गई है। देखो ये एक स्पोर्ट्स बाइक जैसा लुक दिया गया है, तो आपकी सीटिंग कुछ यहाँ पे रहेगी, और आपका हैंडल जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर होने वाला है। लेकिन यार एरोडायनामिक को ध्यान में रख के बनाया गया है, आपकी सीटिंग कुछ ऐसी रहेगी जिससे आप हाई स्पीड पर भी जाओगे ना, तो हवा
मतलब एरोडायनामिक का काफ़ी अच्छे तरीके से ख्याल रखा गया है और गाड़ी बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्पीड जो है पकड़ेगी। तो भाई ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये 5 रीजन हो गए जिससे आप गाड़ी को कंसीडर कर सकते हो। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब। मिलते अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।